जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति, जिसने हमें जीवन के मर्म से परिचय कराया, ऐसी संस्कृति जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक संदेश मिला, विश्ववारा संस्कृति, जहां धर्म से लेकर मोक्ष तक का, जहां प्रकृति के पर्व का, जहां जहां जीवन के मंगल का, और जहां आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का आनंद मानव मात्र प्राप्त करता हो, वही हमारे देश भारत की आध्यात्मिक संस्कृति है, विहंगम योग की संस्कृति है, स्वर वेद की संस्कृति है, जहां जीवन का सर्वांगीण विकास है, जहां अस्तर है आत्मा का। हम सब आत्माएं हैं, सब प्रभु के बंदे हैं, सब प्रभु के जीव हैं, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। जब एक विहंगम योगी आत्मा के स्तर पर आ जाता है, आत्मिक भूमि पर स्थित हो जाता है, तब उसे सर्वत्र आनंद ही आनंद घटित होता दिखता है, वो सब में स्थित उस आत्म तत्व को देख लेता है। जहां प्रेम है, जहां सद्भावना है, जहां साहचर्य है, जहां समस्त मानवीय गुण हैं, जहां मानवता का विकास है, जहां जहां आत्मा का विकास है, हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत की ऊर्जा है, और
जिस ज्ञान के द्वारा, जिस विहंगम योग की साधना के द्वारा सद्गुरु देव के प्रकाश में विहंगम योग के ज्ञान के आलोक में स्वर वेद के सिद्धांत के साथ जब एक साधक अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तब वह अपनी आत्मा को ही प्रफुल्लित कर लेता है, स्वयं तक पहुंच जाता है और स्वयं में स्थित उस पिया का दीदार कर लेता है, परमानंद का अनुभव कर लेता है। और महापुरुष हमें वही मार्ग दिखाने आते हैं। महापुरुष स्वयं के लिए नहीं आते, महापुरुषों को संसार के भोग की क्या कोई आवश्यकता है? हमारे देश का इतिहास, भारत देश का इतिहास त्याग और समर्पण से भरा पड़ा है। जहां त्याग है, जहां सेवा भाव है, जहां समर्पण है, जहां सहजता है, जो प्रकाश के साथ रहता है, जो अंधेरे को छांटता है, जो अंधेरे का शमन करता है, वही भारतीय कहलाता है, वही भारत में जीता है, वही भारत के साथ रहता है। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों में जो प्रेम है, जो स्नेह की भावना है, जो समर्पण है, जो सेवा भाव है, वह समर्पण, वह सेवा भाव केवल इस लोक के लिए ही नहीं है। अरे यह समर्पण, यह सेवा भाव हमारे भौतिक जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, हमें मानवीय गुणों से मंडित बना देता है। और केवल इस लोक को ही नहीं, जिससे हमारा परलोक समर जाए, सुधर जाए, वही सद्गुरु देव का विहंगम योग कहलाता है। सर, महापुरुष मार्ग दिखाने ही आते हैं। हम किधर का रास्ता देखे हैं? रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। जीवन में आवश्यकता है प्रकाश की,
जीवन में आवश्यकता है, आध्यात्मिक सत्संगति की। जीवन में आवश्यकता है सदगुरु की। जो हमें बताते हैं मार्ग किधर है, जाना कैसे है, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है, स्वयं के विवेक का भी आधार दृढ़ रखना है। बहुत कुछ मिला है हमें, ईश्वर ने आवश्यकता से अधिक दिया है हमें। हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमारे पास कर्म और पुरुषार्थ की शक्ति है। अरे ईश्वर ने हमें अंतःकरण की शक्ति से संपन्न बनाया है। हमारा मन बड़ी शक्तियों वाला है। भीतर की आवाज, आत्मा की आवाज भी हमारी गुरु है। आत्मा की ध्वनि सदगुरु है। हमारा विवेक ज्ञान भी हमारा गुरु है, वो भी रास्ता दिखलाता है। बहुत बार यह जिज्ञासा आती है, धर्म क्या है? धर्म तो इतना व्यापक, इतना विराट, बहुत बार जिज्ञासाएं आती हैं। जिज्ञासा का अभाव ना हो, जो भी हमारे अंदर इच्छा है, ज्ञान के प्रति ललक है, उसे प्रकट करना चाहिए। विवेक के साथ रहना अच्छा है। सद्गुरु देव ने कहा, विहंगम योग के प्रणेता ने कहा, विवेक प्रथम आभूषण है। विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति, जिज्ञासा आती है धर्म क्या है। हम सब बराबर कहते रहते हैं, आत्मा की ध्वनि को धर्म तो कोई आडंबर तो है नहीं, धर्म कोई दिखावा प्रदर्शन की वस्तु तो है नहीं। धर्म वस्तु है आत्मा की। मैं प्रायः कहता रहता हूं, आज आप सबों के बीच में पुनः कहता हूं, आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया तब हमारा जो कर्म है
तब हमारा जो कर्म है वही कर्म धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है साहब। जब भी हम किसी कार्य में तत्पर होते हैं तो भीतर से आवाज आती है, अच्छा है बुरा है, शुभ है अशुभ है, वो भीतर बैठा है, वो भीतर बैठा है, हमारे समस्त भावों को जानता है। आत्मा को यह ज्ञान है, लेकिन मन इतना अनियंत्रित और असंयमित कि हम आत्मा की ध्वनि को बहुत बार नहीं सुनते। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन है, ऐसे तो निकलता नहीं मक्खन, मक्खन निकालना पड़ता है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, युक्ति से प्रकट होता है। यह युक्ति, यह ज्ञान, यह अनुभव स्वयं तक की पहुंच का, आत्मा की ध्वनि को सुनने का जो सामर्थ्य है, अरे वह सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान और ऐसा अनुभव विहंगम योग का साधक सदगुरु कृपा के आधार से सहज में ही प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन का विकास करता है। महापुरुष यही मार्ग दिखलाते। जितना हम अपने अंधेरे को नष्ट कर सकें, और जितना हम ज्ञान के वास्तविक प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। महापुरुष हमें उसी अनंत के द्वार तक ले चलते हैं। हमारा आपका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब विहंगम योग के पथ पर हैं, स्वर वेद के पथ पर हैं, सदगुरु के विज्ञान के पथ पर हैं। हम सब सेवा में, सत्संग में और साधना में आगे बढ़ रहे हैं। यही तो भारतीय जीवन का सार है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। पावन जन्म जयंती की यह पावन छटा विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री प्रथम आदित्य विहंगम योगी
धर्मचंद्र देव जी भगवान की पावन जन्म जयंती पर उस पावन सत्ता को, उस पावन सत्ता के चरण कमलों में हम सब नतमस्तक हैं, हम सब शीश झुकाते हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं और सद्गुरु देव की पावन जन्म जयंती पर रायपुर के आंगन में ये छत्तीसगढ़ राज्य का सौभाग्य है कि यहां पावन जन्म जयंती का आचार्य श्री प्रथम की पावन जन्म जयंती का यह प्रथम विशेष आयोजन रायपुर की धरती पर हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत हमारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूं भारत विश्व का गुरु रहेगा। हमें क्या करना है? हमें महापुरुषों के पद चिन्हों को ढूंढना है। हमारे पूर्वज ऋषि, हम सबके गोत्र ऋषियों के नाम पर भारत देश ही ऋषियों का देश। कोई गौतम गोत्र का है, कोई कश्यप गोत्र का है, कोई भारद्वाज गोत्र का है, हमारे पूर्वज ऋषि, भारत देश ऋषियों का। भारत की पहचान अध्यात्म से है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे देश की पहचान विश्व में है। अनेक देशों के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले वो भारत को पढ़ना चाहते हैं, वो भारत को समझना चाहते हैं। विश्व की आदि संस्कृति है। जिसने अनंत ज्ञान का सृजन किया, वेदों का वह दिव्य ज्ञान ऋषियों की आत्मा में प्रकट हुआ, जहां प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान और विज्ञान भरे पड़े हैं, भूगर्भ से लेकर अंतरिक्ष तक, प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत, सृष्टि से लेकर प्रलय तक, ज्ञान का आधार भौतिक हो, ज्ञान का आधार आध्यात्मिक हो, वो सब कुछ वो सारा हमारी ऋषि परंपरा ने हमें दिया है। तो सद्गुरु
संसार में आते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जगाने के लिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। लक्ष्य विहीन जीवन नहीं हो सकता। ये सूर्यदेव लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। ये सूर्यदेव हमारी सेवा में लगे हैं। चंद्रमा की हिम्मत नहीं है अपने काम में इधर उधर कर दे। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किसने घुमा दिया? ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारी सेवा में लगे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमें क्या करना है? हमें मिल रहा है, सहज रूप से प्राप्त है। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत संचालित रहे, कितनी व्यवस्था बनी है। आकस्मिक नहीं है कुछ भी, सबके पीछे एक रहस्य है, एक विज्ञान है, सब कुछ व्यवस्था मूलक है। हमें आपको समझ में आए या हम न समझ पाए, सबके पीछे सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक नियम, एक सिद्धांत, एक रहस्य है, एक विज्ञान छिपा है। कोई समझ पाए या ना समझ पाए, ईश्वर की यह रचना अनंत ज्ञान का वर्धन करती है। सूर्य की किरणों पर तो अभी शोध प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म अरु जीव, उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। ये सृष्टि के तीन कारण है। स्वर वेद में सद्गुरुदेव कहते हैं, तीन कारण है। प्रकृति कारण है, जिससे पदार्थ बनता है। प्रक्रियते अनेति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। ये शरीर ही प्रकृति का है, मिट्टी का है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से ये स्थूल शरीर बना है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। शरीर ही मिट्टी का है। हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि हमारे आपके शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। अग्नि है, पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा कहां से? अग्नि से। जो जो बाहर है वही भीतर है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना जल तत्वों की भूमिका है, इसमें उनका कार्य है। समस्त शरीर में अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये जल रज और वीर्य बनकर हमारे हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। जो जो बाहर है वही भीतर है। एक उसका स्थूल भाग है, दूसरा सूक्ष्म भाग है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है ना? शरीर उत्पन्न होता है, ये सदैव नहीं है, ये नष्ट होने वाला ही पदार्थ है। कौन पदार्थ नष्ट नहीं होता? वही नष्ट नहीं होता जिसका जन्म नहीं होता, है ना? ये बात है ना, जिसका जन्म हुआ उसका मरण है। जो बना है संयोग से, ये शरीर बना है संयोग से, वियोग निश्चित है, अवश्यंभावी है। यो न मृतः, जो नहीं मरा। कौन नहीं मरा? वही नहीं मरा जिसका जन्म भी नहीं हुआ। आत्मा है, आत्मा का मरण नहीं है। जो मरा नहीं, क्यों नहीं मरा? क्योंकि पैदा ही नहीं हुआ था तो मरेगा क्यों? जो पैदा हुआ वो मरेगा। शरीर उत्पन्न हुआ है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। छह गतियां हैं, ऋषियों ने कहा जायते जन्म होता है। शरीर धारण करते रहने से कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ। प्रथम गति है जायते अस्ति। अस्ति मतलब अस्तित्व है, इसका शरीर है तो अस्तित्व है। पंच ज्ञान और पंच कर्म की इंद्रियां हैं, अंतःकरण है पंच, महाभूत हैं। आंखों से हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सूर्य आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे, ये दिशाएं
ये दिशाएं स्रोत्र बनकर हमारे कर्ण कुहरों में ही प्रविष्ट हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। जो जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। शरीर नष्ट हो जाता है क्योंकि यह उत्पन्न होता है। शरीर दृश्य है, दृश्य शरीर का एक अदृश्य आधार है। शरीर दृश्य है, हम देख रहे हैं एक दूसरे को। जो इसके पीछे है, जिससे ये सब कुछ है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। भौतिक शरीर का अभौतिक आधार आत्मा है। विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। तो सद्गुरुदेव का विहंगम योग, ये स्वर वेद क्या बतलाता है? और ये केवल बतलाता नहीं है, ये केवल समझाता भी नहीं है। अरे यह तो ज्ञान, यह तो विज्ञान सद्गुरु की कृपा से शिष्य की आत्मा के अंदर दे दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। यहां केवल बतलाया नहीं जाता, यहां केवल सिखलाया ही नहीं जाता, अरे यहां तो दे दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। हम कितने शिष्य हैं, ये बात है ना। हम कितने पात्र हैं, जल का झरना बह रहा है, औंधे मुख घड़ा है तो जल भरेगा घड़े में, वो जल तो सारा तितर बितर बाहर चला जाएगा। हम कितने पात्र हैं, हमारी कितनी क्षमता और योग्यता है, हम कितने साधक हैं, हम कितने शिष्य हैं, हम कितने सत्संगी हैं, हम कितने साधना के अभ्यासी हैं, हमारा संकल्प कितना दृढ़ है, ये बात है ना। सद्गुरु खोजता है ऐसी आत्मा को। शुद्ध संस्कारी आत्माओं पर ये ज्ञान अति शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिसकी आत्मा जितनी शुद्ध है उतना ही वह आनंद का अनुभव करेगा। यहां आत्मा देखी जाती है, यहां बुद्धि का बल नहीं, यहां वाक चातुर्य नहीं, यहां आत्मा की ही स्थिति देखी जाती है। यहां
धरातल ही है आत्मा का। स्वर वेद का प्रथम अर्थ ही है आत्म। वेद, वेद कहते हैं ज्ञान को। स्वर वेद का अर्थ है आत्मज्ञान और स्वर वेद का अर्थ है परमात्म ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो, हमें स्वयं का ही बोध प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप में ही हम स्थित हो जाएं और स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद, परम शांति का, परमात्मा का अनुभव, दीदार, यही तो विहंगम योग है, यही तो सद्गुरु देव का सिद्धांत है। हम सब पथिक हैं, और हम बढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं अपने पथ पर। कोई आगे है, कोई पीछे है, तो क्या हुआ, चल तो रहे हैं। सबके अपने भोग हैं, प्रारब्ध भी हैं, सबके साथ उनके कर्म भी तो लगे हैं, तो क्या लगे तो है ना, है ना। मूल ढुलमुल शिष्य भी गुरु चरण में लागे रहे, हम तो लगे हैं अपने पथ पर चल रहे हैं, वो देख रहा है, वो देख रहा है। मैं जाता कहां हूं, मेरा संकल्प है लाखों जीवों की मुक्ति का, परम धाम पहुंचाने का, और जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता मैं तो यही रहूंगा, बाद में विचार करूंगा कि कहां जाना है। वो देख रहा है। अरे वो आज अपने मंडल में उपस्थित होकर हमें देख रहा है, हमारी साधना को देख रहा है, और हमारे जीवन के आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग, वह सत्ता व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव आगे बढ़ा रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। पूर्ण नहीं हुई साधना, पूर्ण नहीं हुई साधना, छूट गया शरीर, शरीर तो नष्ट होने वाला ही पदार्थ है, अनित्य है, विनाशी है, मिटने वाला है। पूर्ण नहीं हुई साधना हमारी, छूट गया शरीर हमारा, क्या कहता है विहंगम योग, सद्गुरु देव का सिद्धांत क्या कहता है। एक विहंगम योगी जिसने
साधना ग्रहण की है, जो साधना का अभ्यासी है, जो सेवा में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आगे रहा है, वो सेवा शरीर की हो, वो सेवा धन की हो, वो सेवा मन की हो, मानसिक श्रेष्ठ संकल्पों की सेवा हो, वो सेवा वाणी की सेवा हो, धन काया मन वचन से संत परम गुरु से आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। छूट गया शरीर, अरे उसने सेवा के धर्म को अंगीकार किया है, सेवा में भाव का बहुत स्थान है, मात्रा का बहुत बार नहीं। मैं बराबर कहता रहता हूं, सेवक से बड़ा कोई नहीं होता, सेवा सबसे बड़ी वस्तु है, विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम सेवा है। ये सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र तारे, ये संपूर्ण ईश्वर की सृष्टि ही हमारी सेवा में लगी है साहब। जब ये सब सेवा में लगे हैं तो हम क्यों सेवा में पीछे रहने वाले हैं? ईश्वर ने तो इतनी शक्ति दी है हमें, हमें अंतःकरण दिया है, हमें मन दिया है, हम कहां पीछे रहने वाले हैं? हम तो सेवक हैं, साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। खुद के लिए क्या जिएंगे? जो समग्र चिंतन करता है, जो जो सेवा में आगे रहता है, जो खूब खूब सत्संग में रुचि लेता है और जो साधना का अभ्यास करता है, उस शिष्य की आत्मा का तो कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है साहब। साधना पूर्ण नहीं हुई, छूट गया शरीर, क्या कहता है विहंगम योग, क्या कहते हैं हमारे अमर सदगुरु? वो लाठी वाला, वो हमारा अमर सदगुरु, हमारा शरीर छूट गया लेकिन वो हमें नहीं छोड़ने वाला है, वो हमें नहीं छोड़ने वाला है। मुक्ति, मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, काल दयाल मध्य गुरु आसा। छूट गया शरीर, अरे विहंगम योगी की आत्मा, एक ऐसा विहंगम योगी, अरे जो सेवा में खूब खूब आगे बढ़कर सेवा में ही स्थित रहा है, जो स्वर वेद से तो खूब आनंद लिया है, बिना स्वर वेद के कहां आनंद, और जो साधना का अभ्यासी रहा है, छूट गया शरीर,
नष्ट होने वाला ही पदार्थ है। क्या कहते हैं हमारे अमर सदगुरु, उस शिष्य की आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाएगी, उसे पुनः मानव का चोला मिलेगा, मानव का शरीर मिलेगा। बीज पड़ा है, बीज पड़ गया है तो वृक्ष तो बनेगा ना। बीज पड़ा है तो इसमें वृक्ष छिपा है। पुनः मिलेगा मानव का चोला, और केवल चोला ही नहीं मिलेगा, अरे वो साधना मिलेगी, सदगुरु की तार और धार मिलेगी। मुक्ति तक संबंध है, वो छोड़ने वाला नहीं है। हम तो भागने में फर्स्ट हो जाते हैं। वह छोड़ने वाला नहीं है, वह हमें पकड़ा है तो हम यहां पकड़े हैं, हम बैठे हैं। वह हमारा कल्याण करना चाहता है। परम दयालु करुणा निधान वह सत्ता इसीलिए तो आती है, जगाने के लिए ही आती है। जागते रहो का शंखनाद करती है वह सत्ता। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि उस सत्ता ने हमारा चयन किया है। शिष्य हमारे सब बड़े कर्म गुणन कर भे। हम चल तो रहे हैं और चलते ही रहना है। संसार में आए हैं, तो सुख हैं, संसार में आए हैं तो दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। संसार में आए हैं तो प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। संसार में आए हैं तो धूप है, छांव है, सुख है, दुख है। ये गुलाब का फूल है, इसमें देखिए कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं। ये धूप है, ये छांव है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। मित्र प्यारे, सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही।
परिवर्तन इसका नियम है। सुख दुख का अनुभव हमारी मन स्थिति के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है। कौन किस में सुखी है और किसको कब दुख का अनुभव हो जाता है वह हमारी मन स्थिति पर निर्भर है। हम कैसे ग्रहण करते हैं, विहंगम योगी कैसे जीता है, संसार के सुख में भी तो सूक्ष्मता से हम विचार करें तो दुख ही अधिक दिखता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक एक संसार के सुख में कितने 4000 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। कितना भोगेंगे और कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना ना, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्मों से ये यात्रा चल रही है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है, कहाँ जाएगा ये टुकड़ा? ये टुकड़ा तो नदी के प्रवाह में जल के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता चला जा रहा है। हमारे कर्म अनंत अनंत जन्मों के, वो हमारे कर्म हमारे हमारे जीवन को गति दिए हुए हैं। गति और दुर्गति भी दिए हुए हैं कर्म का। स्वरूप बहुत व्यापक है, विराट है। संसार में आए हैं तो सुख है दुख है। मूलतः हम शांति चाहते हैं, है ना? शांति की कामना है। हम यहां बैठे हैं अभी, इसके पीछे मूल में शांति की कामना छिपी है। हमें शांति प्रिय है। हम अपनी दिनचर्या में अपने दैनंदिन के कार्य में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे मूल में शांति की ही कामना है, जिससे हमें शांति का अनुभव हो, हम वो चाहते हैं। और कई बार विवेक और ज्ञान से हीन होकर भी हम निंदित कर्मों के द्वारा भी हमें सुख का अनुभव होने लगता है।
हम जड़वत नहीं रह सकते, हम जड़वत नहीं रह सकते। हम अभी इन वाणियों का श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, सुबह उठकर पुनः खड़े हो जाएंगे। हमें शांति चाहिए। हम विश्राम करते हैं, सुबह उठकर खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि हमें शांति चाहिए। मूल में शांति की कामना है। हम जड़वत नहीं रह सकते। हमारे पास इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न की शक्ति है। संसार में आए हैं, शरीर मिला है, किसे नहीं भोगना पड़ता दुख, और क्यों नहीं भोगेगा? उसी के कर्मों का तो फल है। ईश्वर अन्याय करेगा क्या किसी के साथ? हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर भले अन्याय करें और करते हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अन्याय करना बहुत बार स्वभाव में आ जाता है। अंधेरा इतना है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखने की दृष्टि गायब हो जाती है। ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो न्यायकारी है। हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अन्याय में ही जीने का स्वभाव बना लें, ईश्वर न्यायकारी है, देखता है। वो भीतर बैठा है, सूक्ष्म रूप से स्थित है, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। चल रहा है जीवन, अनेकों का जीवन केवल सुख दुख की उहापोह में ही व्यतीत हो जाता है। हाँ, सुख दुख की उहापोह में ही जीवन गया। क्यों आए थे, कैसे चले गए? जीवन का उद्देश्य अनंत आनंद की प्राप्ति है। लेकिन जीवन कहाँ? जीवन तो बस सुख दुख की उहापोह में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, और हमारे उचित अनुचित विचारों के साथ हमारा जीवन बहा जा रहा है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है नदी में, कोई नियंत्रण नहीं है, बह जा रहा है, शक्ति बाहर जा रही है। विहंगम योगी क्या चिंतन करता है? एक स्वर वेद का पथिक, एक सदगुरु मार्ग का अनुगामी, एक विहंगम योग का पथिक क्या चिंतन करता है, क्या विचार करता है? वो यही सोचता है, वो यही विचार करता है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है, झेला है हमने। हाँ, विहंगम योगी यही सोचता है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। यह जो मेरा वर्तमान जन्म और जीवन है, जो ईश्वरी कृपा से
हमें यह सद्गुरु देव का मार्ग मिला है, जो हमें सेवा सत्संग और साधना मिली है, ये स्वर वेद का भी ज्ञान मिला है। संसार के किसी सुख में इतनी शक्ति नहीं है, संसार के किसी भी दुख में भी इतनी शक्ति नहीं है, संसार के दुख में, संसार के किसी बड़े से बड़े सुख में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें सेवा से दूर ले जाए, स्वरवेद से दूर ले जाए और साधना से दूर हो जाए। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसके पैर इस पथ से अलग नहीं हो सकते। वो अंगद की पैर की तरह जमा कर बैठ जाता है, वो जानता है, वो विवेकी है, उसका विवेक जागृत हो गया है, वो अंधेरे में थोड़े जीता। अरे वो भारत के साथ जीता है, अरे वो तो स्वरवेद के साथ जीता है, वो सदगुरु के सिद्धांत के साथ जीता है, वो जानता है क्या है जन्म और जीवन क्या है, ये संसार क्या है, दुनिया में जीना कैसे, कैसे रहना है दुनिया में, वो जानता है। दुनिया में जीना किस तरह, वो जानता है, और केवल जानता नहीं है, मानता भी है, वैसा करता भी है, वो उसी में स्थित हो जाता है। वैसा मानता है, वैसा जानता है और उसी में स्थित हो जाता है। संसार में रहना किस तरह, दुनिया में जीना किस तरह, इसमें रहते हुए इससे अलग हो जाना, हाँ जानता है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगते आ रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे। कफन में जेब तो होती नहीं, बीच में ही मिला है, बीच में ही मिला है सब, और सब बीच में ही छूट जाता है। बीच में ही मिला है सब, सब बीच में ही छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या साथ जाना है, क्या है ऐसा जो नष्ट नहीं होगा, संसार की कोई वस्तु तो ले नहीं जा सकते, कोई जड़ वस्तु तो जा नहीं सकती, चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। क्या जाना है साथ, अरे जो हमारी सेवा भावना है, निस्वार्थ भाव से जो हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, जो हमने खूब खूब सत्संग किया है, स्वरवेद का संग किया है
और जो हमने साधना का अभ्यास किया है वही तो हमारे साथ जाना है, वही तो हमारे परलोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। बाकी तो छूट जाएगा, छूट जाता है, लेकिन आसक्ति और मोह का इतना व्यापक क्षेत्र है, अंधेरा अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। प्रथम कारण है क्लेश का, ऋषि ने कहा प्रथम कारण है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, भिनिवेश, पंच क्लेश। कहा कि पांच क्लेश हैं जिससे कष्ट होता है, जो जो पतन का कारण है, जो दुख का कारण है, वो क्या है? प्रथम ही कहा अविद्या है। वस्तु कुछ है और हम उससे भिन्न ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने समझ लिया कि ये शरीर सब कुछ, ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, यही सब कुछ, तो हम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, हमारा ज्ञान कोई कम है क्या? हमने तो जाना है, हमने तो समझा है कि शरीर ही सब कुछ, संसार ही सब कुछ, ये भोग ही सब कुछ, ये पदार्थ ही सब कुछ, ये धन, जमीन, मकान, दुकान, ये हमारा रुतबा, यही सब कुछ। तो हम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़े ही हैं, हम तो ज्ञान से लबालब भरे हैं। सारा जीवन केवल केवल शरीर, केवल संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी में सारा जीवन। हम हैं कौन? आत्मा क्या है? क्या मतलब? कहां है कि आत्मा? कैसी आत्मा? हम तो शरीर और मन, बस चल रहा है जीवन। किधर है आत्मा? कहां है आत्मा? हम हैं कौन? हमको क्या मतलब इससे? कर विचार, मैं कौन हूं? ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है? लीन कौन विधि पार? कौन सत्य कर्तव्य है? दुख सुख कैसे होए? बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। तो प्रथम कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या प्रथम कारण है। वस्तु कुछ है, हम कुछ अन्य समझ रहे हैं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना समझना, उसे धारण कर लेना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन स ज्ञान। जब कोई संशय भ्रम न हो, विहंगम योगी सदैव ज्ञान के वास्तविक प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह अंधेरे में नहीं रहता, वह तो भारत के साथ जीता है, वह अध्यात्म के साथ जीता है, वो जानता है। और जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो व्यापक है, वो विराट है, वो सम्यक है, वो विशिष्ट है, वो आध्यात्मिक है। विहंगम योग ही वह मार्ग है, सदगुरु का यह सिद्धांत है, यह स्वर वेद का पथ है, जिसके द्वारा हमारा अंधेरा छटता है। जितना हम अपने अंधेरे को छाट सकें और जितना ज्ञान के वास्तविक प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें,
उतना ही हम सब के लिए अच्छा है, कल्याणकारी है। सदैव आत्म विकास की तरफ बढ़ें, और मन की बड़ी भूमिका है इसमें। जितना हम अपनी आत्मा का उत्थान कर लें उतना अच्छा है। ये सत्संग इसीलिए है, ये स्वर वेद का संग इसीलिए हम करते हैं। आध्यात्मिक संगति का लाभ हम प्राप्त करते हैं, क्यों? ये सब शुद्धि के लिए है। कैसे शुद्ध होगा मन? हमारी गाड़ी की हम सर्विसिंग अविलंब कराते हैं, समय समय पर मोटर गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहते हैं, हमारी गाड़ी ठीक रहे। और ये शरीर रूपी गाड़ी कैसे ठीक रहेगी? इसकी सर्विसिंग का हम ध्यान रखते हैं? किसके द्वारा इसकी सर्विसिंग हम करते हैं? हम अपने मन की सर्विसिंग करते हैं स्वर वेद के द्वारा, विहंगम योग की साधना के द्वारा। जो कुछ भी इधर उधर का है, जो कुछ भी जीवन में ऐसा है जो हमारे लिए बढ़िया नहीं है, है ना, जो कुछ भी ऐसा है जिससे आत्मा का विकास रुक सकता है, बाधित हो सकता है, नकारात्मक बहुत है ना, अंधेरा बहुत है, इधर उधर से, ऊपर से, नीचे से, इधर उधर से, कहां कहां से, यहां वहां से बहुत कुछ आ जाता है संगति के प्रभाव से, हम वातावरण के प्रभाव से बाहर दौड़ रहे हैं ना, हमारी शक्ति बाहर जा रही है। और अंतश्चक्षु का पता नहीं, अंतर विवेक का तो पता नहीं, तो बाहर बाहर जा रही है शक्ति। जो कुछ भी नकारात्मक है, जो कुछ भी अशुभ है, जो हमारे लिए बढ़िया नहीं है, जो हमारे लिए शुभ नहीं है, जो हमारे लिए पवित्र नहीं है, और जो कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, जो हमारे आत्मा के विकास में बाधक है, वह सब नष्ट होता जाए, वह सब हमसे दूर होता जाए। हम वैदिक मंत्र में प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे समस्त दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को हमसे दूर कर दीजिए, और जो उत्तम कर्म गुण स्वभाव हैं उसे हमें प्राप्त कराइए। प्रार्थना का अधिकार है। और सत्य संकल्प का भी आधार है, सत्य संकल्प के साथ श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ते रहना, प्रार्थना से भी शक्ति मिलती है। लेकिन आपके अंदर स्वतः वह ऊर्जा है, आत्मा के भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत की ऊर्जा है। सत्य संकल्प से श्रेष्ठ पथ के अनुगामी बने रहना अत्यंत कल्याणकारी है। कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, विचलित न होते हुए सत्य मार्ग में दृढ़ होकर निरंतरता के साथ अपने जीवन का विकास करना, यही आध्यात्मिक जीवन है। आप सबों का, हम सब का यह सौभाग्य है कि हम सब
अमर सदगुरु के उस विहंगम पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो पथ है शांति का, जो पथ है आनंद का, जो पथ है आत्मा के कल्याण का, जो ब्रह्म का ही पथ है, जो ईश्वर का ही पथ है, जो पथ ही है जीवन मुक्ति का, जो पथ ही है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का, जो पथ है आत्मा के परम कल्याण का। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। सब कुछ तो कह दिया हमारे अमर सद्गुरु ने, अमर लोग पहुंचाऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा, अमीय नद्य अनहवाऊंगा, शुद्ध हंस बनाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। डोरी मकर धराऊंगा, सब कुछ तो कह दिया, हमारे लिए क्या कहा, हमें क्या कहा, हमें तो बस कहा, हमारे लिए कहा कि यदि विधिवत तुम साधन करियो, हमें तो बस इतना कहा, अब बाकी तो सब अपने ऊपर लिया। हमारे लिए कहा यदि विधिवत तुम साधन करियो, विधिवत का तात्पर्य कितना विस्तृत है, विधिवत अपने आप में कितना बड़ा है। विधिवत साधन अपने आप में बहुत बड़ी वस्तु है, जहां सेवा का सहज भाव है, विहंगम योग में ज्ञान का, अनुभव का, सिद्धांत का अनंत क्षेत्र है, और जितना हम इसमें डुबकी लगाते हैं, ज्ञान का अनंत समुद्र सामने नृत्य करता दिखता है। और अथाह ज्ञान है सद्गुरुदेव का, विहंगम योग का, स्वरवेद में ज्ञान की अनंत रश्मियां भरी पड़ी हैं, ज्ञान की अनंत मोती सर्वत्र बिखरे हैं, सद्गुरुदेव ने उड़ेल दिया है स्वरवेद में, हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, हमारी आत्मा की पात्रता क्या है, इस पर ही सब कुछ निर्भर है। देने वाले ने आवश्यकता से अधिक दिया है, हमें अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने विवेक और अपनी अंतःशक्ति से उसे धारण करना है, और जन जन का कल्याण जिससे हो उस मार्ग का अनुगमन करना है। आज प्रथम दिवस है, आदित्य विहंगम योगी अनंत श्री सद्गुरु देव, प्रथम परंपरा सद्गुरु की पावन जन्म जयंती का, उस महान सत्ता के चरणों में हम सब बारंबार सत सत वंदन करते हैं।
जिस महान सत्ता ने विहंगम योग के सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया। विहंगम योग का सिद्धांत क्या है, इसे वास्तविक धरातल पर जिस महान सत्ता ने प्रकट किया, जिस महान सत्ता ने विहंगम योग के सिद्धांत को वास्तविक सत्य धरातल प्रदान किया, ऐसी महान सत्ता की पावन जन्म जयंती हम सब छत्तीसगढ़ की इस राजधानी रायपुर में मना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का ही अवसर है और साथ ही साथ वैदिक महायज्ञ की ऐसी छटा जो हमारे जीवन में उमंग उल्लास उत्साह को भर देता है और सदैव अध्यात्म के रंग में रंग कर जीवन के विकास की तरफ हमें ले चलता है। तो हमें क्या करना है, हमें तो महापुरुषों के बतलाए हुए पथ पर ही आगे चलना है और अपने अंतः विवेक का भी परिपूर्ण उपयोग करना है। ईश्वर ने सबको दिया है, विवेक की शक्ति दी है ईश्वर ने हमें, मन के माध्यम से इतनी शक्ति मिली है हमें, इस शक्ति और इस प्रवाह को एक सकारात्मक दिशा देना, इस धारा को, इस प्रवाह को किस प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देना, ये एक विहंगम योगी जानता है। बहुत बार हमारी शक्ति नकारात्मकता में व्यर्थ नष्ट होती है, अनावश्यक भी बहुत है, मूढ़ता भी बहुत है, अज्ञानता भी बहुत है। रात बहुत काली है, अमावस की बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है, अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। तो हमें क्या करना है, हमें बस अंधेरे को छांटना है। दूध में मक्खन है, निकल जाएगा, मक्खन निकालना पड़ता है। हमारे भीतर है अनंत की शक्ति, हमारे भीतर है अनंत की ऊर्जा। जितना हम अंधेरे को छांट सकें, जितना हम अपने अज्ञान का शमन कर सकें और जितना हम ज्ञान के वास्तविक प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। आचार्य श्री प्रथम ने अनंत ज्ञान का प्रकाश किया है, स्वरवेद भाष्य जिस महान सत्ता की पावन कृति है, जिसके माध्यम से विहंगम योग का स्थान, विहंगम योग का सिद्धांत स्थिरता को प्राप्त होता है, सिद्धांत को स्थिर किया है, सहज बोधगम में बनाया है। हम सब चलते हैं स्वर वेद में, इन वाणियों का हम सब श्रवण करेंगे। ये वाणियां अमोघ हैं, इन वाणियों में अद्भुत शक्ति है, शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। यमोघ वाणियां हैं, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, अनंत की यह वाणी है। हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, श्रवण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। इतना प्रकाश है सद्गुरुदेव के स्वर वेद में। कोई नाना प्रकार का जप करेगा, तप करेगा, व्रत उपवास करेगा,
खूब खूब तीर्थों में घूमेगा, नाना प्रकार के कर्मकांड करेगा, जप तप पूजा पाठ उपवास तीर्थ यात्रा खूब करेगा। प्रत्येक कर्म का अपना एक फल है। दीर्घ काल में अल्प सा कुछ भौतिक फल मिल जाएगा इन समस्त शुभ कर्मों का, मिलता है, प्रत्येक कर्म फलदायी है। व्रत जप तप पूजा पाठ उपवास तीर्थ यात्रा गंगा स्नान जो भी हमारी परंपरा में सहज रूप से है, सबका अपना एक फल है, एक सकाम शुभ कर्म है। दीर्घ काल तक ये सब करने से अल्प सा कुछ फल मिल जाता है, लेकिन मैं कहता हूं स्वर वेद के अल्प सत्संग से ही, स्वर वेद के अल्प संग से ही अनंत का फल मिल जाता है, अनंत का फल मिल जाता है। इतनी शक्ति इसमें छिपी है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में आप जल सिंचन करेंगे तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। उसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के स्वाध्याय से, पाठ से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, सेवा से मानव के जीवन का अनंत कल्याण हो जाता है, मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है। इसके बिना कहां जाना और इसके बिना कैसे जीना। हम सबका संकल्प महान स्वर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। और इसी पावन संकल्प की उद्घोषणा के साथ हम सब तन्मय होकर, दत्त चित्त एकाग्र होकर, शांत होकर प्रथम दिवस विराम की इस वेला में सद्गुरु की दिव्य वाणियों का, स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब श्रवण करते हैं। चेतन में चले अंतर ऊर्ध्व चढ़ा, चेतन चेतन में चले अंतर ऊर्ध्व चढ़ा, अनुभव अनुभव गम करे परम तत्व पद पा, अनुभव अनुभव गम करे परम तत्व पद पा। धन धन गुरुदेव
हंस आसन धाम विराज में अमर भय सुवंस आसन धाम विराज में अमर भय सुवंस राज सब सुन्यता वृक्ष विस्तार पदवी राज सब सुन्यता वृक्ष विस्तार देव सदा फल गुरु कृपा दर्शत खुलत द्वार देव सदा फल गुरु कृपा दर्शत खुलत द्वार हम सबका जीवन सदैव शिष्य भाव में सेवक भाव में खूब खूब सत्संग में सत्संग का अभाव न हो स्वरवेद का अभाव न हो और साधना के अभ्यास में हम सबका जीवन निरंतर आगे बढ़े। यही सार तत्व जीवन के लिए सद्गुरुदेव ने हमें बतलाया है। सेवा सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार यह संयम नित कीजिए तीन सार संसार। इस असार संसार में तीन सार तत्व हैं। सेवा भाव श्रेष्ठ है, सेवक बड़ा है। सेवा में भाव का प्रधान स्थान है। सेवा भाव श्रेष्ठ भाव है, सर्वोत्तम भाव है। जहाँ सेवा भाव है, समर्पण है, वहाँ सब कुछ है। जितना हम शिष्य बन सकें, शिष्य बनने में कल्याण है। सेवक ही बड़ा है, शिष्य हमारे सब बड़े कर्म गुणन कर भेद। सेवक बड़ा है जिसके अंदर सेवा की भावना है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। बहुत बार सेवा के अर्थ का बहुत दुरुपयोग दिखता है। समाज में हम जानते हैं, विहंगम योगी जानता है, सब विहंगम योगी जानते हैं कि सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है। जहां सहजता है, जहां विनम्रता है, जहां त्याग की भावना है, जहां दान की भावना है, मन से, वाणी से, धन से और शरीर से, और कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, इसकी तनिक इच्छा नहीं है। क्या मिलना और क्या प्राप्त होना, जो जो सेवा में है वो सहज रूप से उसे सब प्राप्त है। ऐसी ऐसी व्यापक दृष्टि के साथ जीता है।
वो जो श्रेष्ठ सेवक है वो कामनाओं से बंधा नहीं है, कामनाओं की जंजीर में जकड़ा नहीं है। श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ सेवक है वो तो बस सेवा में है, लगा है जीवन ही सेवा में है। वो ज्ञानी भक्त है। हाँ, एक भक्त है आर्त, एक है जिज्ञासु, एक है अर्थार्थी, और एक जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है, वो मस्त मौला है, वो कामनाओं से बंधा नहीं है। वो नाम में बंधा नहीं है, वो मानव प्रतिष्ठा में बंधा नहीं है, अरे वो तो सहज रूप से सेवा में लगा है। सहज भाव से, और सेवा कल्याण करती है, सेवक से बड़ा कोई नहीं। हम उस ईश्वरीय पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम सदगुरु के पथ पर एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो वह सत्ता ईश्वरी रूप से हमारा अनंत का कल्याण कर देती है, ऐसा सामर्थ्य है साहब। सेवक को चाहिए क्या, जिसको कचू न चाहिए सो है सहन सा, मिलना और होना क्या, वो उस सहज सेवा में है। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, इतनी जड़ बुद्धि और ऐसा गुणा गणित सेवक थोड़ी करता, ये कोई बनिया थोड़ी है सेवक कि जो जोड़ घटाना करे, गुणा भाग करे। अध्यात्म में कोई गुणा भाग नहीं है, अध्यात्म में कोई गणित नहीं है, पहाड़ा नहीं पढ़ता, वो तो सहज है, वो सात्विक है, वो निरंतरता है, वो सहजता है, वो सेवा भाव है, वो सम्यता है, वो विवेक का बल है। वो साहब सेवा निस्वार्थ रूप से घटित होती है, जहां सहजता है, जहां सहज रूप से अपने दायित्व का बोध है, जहां कर्तव्य का पालन है, मान और अपमान में निंदा स्तुति दोए संत स्वाभाविक रहत है। ऐसी सहजता उसके अंदर विकसित हो जाती है। हम सबके अंदर ऐसी सहजता हो, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारी स्तुति करे, सेवक सहज हो जाता है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति है साहब। तो शिष्य बनने में कल्याण है, सेवक ही बड़ा है, ईश्वर की समस्त शक्तियां सेवा में ही लगी हैं। पावन जन्म जयंती पर उस पावन सत्ता के चरणों में हम सब नतमस्तक होते हैं, हो रहे हैं। सदगुरु की वह धार है, वह तार है, वह ज्ञान की अनंत प्रभा है, जिसके माध्यम से अनंत अनंत जीवों का कल्याण होता है। सदगुरु जगाने के लिए ही आते हैं, सदगुरु सत्ता ने हमारा चयन किया है, ये सौभाग्य है हमारा। सेवा कोई भार नहीं है, सेवक सेवा को सौभाग्य समझता है, अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, धन के द्वारा, वो सदैव सेवा का ही विस्तार करता है, वो सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा भाव उसमें दृढ़ रहता है, और जो कुछ भी है वो ईश्वरी कृपा से ही प्राप्त है, सब कुछ ईश्वर का है, और अपनी शक्ति का उपयोग वो सदैव सेवा कार्य में करता है, बिना बिना किसी स्वार्थ भावना के।
सेवक ऐसे बिरले हैं कि हैं, सेवकों की कमी नहीं है, इनके अंदर वास्तविक रूप से शिष्य का भाव है, जो ज्ञानी शिष्य है। जो भौतिक कामनाओं से परे हैं, जो केवल भक्ति के पथ पर ही बढ़ रहे हैं, और जो भक्ति के पथ पर चलता है, जो बड़े लक्ष्य के साथ चलता है, जो जो आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ता है, जो सत्संग और साधना में जीता है, और जो सहज रूप से सेवा में ही स्थित है, उसका उसका लोक भी सुधर जाता है, उसका परलोक भी सुधर जाता है। आज प्रथम दिन के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है 2 घंटे से ज़्यादा हुए कि अभी कुछ शुरू होना है, ऐसा आनंद प्रवाह है और देने वाले ने इतना दिया है, अद्भुत शक्ति है सद्गुरुदेव के ज्ञान की, स्वरवेद की, विहंगम योग के सिद्धांत की, कि जितना हम इसमें रमण करें उतना लगता है कि अभी इतना ही। अरे अभी तो ज्ञान का कितना समुद्र तुम्हारे सामने दिखता है। विहंगम योग के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, स्वरवेद का ज्ञान अनंत है, सदगुरु का ज्ञान अनंत है, और जितने हम मोती निकाल लें वो हमारी पात्रता है, कृपा का आधार है हम सब पर, उसी पथ पर हम सब लगे हैं, लगे रहेंगे, कोई आगे है कोई पीछे है, पर सब सद्गुरु के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अनंत का पथ है, अमृत का पथ है। सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ। आप सबने इस अद्भुत महायज्ञ में, जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम इतना बड़ा महायज्ञ हम सब कल 52 जन्म जयंती समारोह पर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक आयोजन हम सब विहंगम योगियों का, जिसके द्वारा जन जन तक, मन मन तक विहंगम योग की क्रांति का, आध्यात्मिक क्रांति का जन जागरण होगा, विहंगम योग का प्रकाश जन जन तक फैले, इसके लिए हम सब सेवा भाव में ही रचे बसे हैं। और हम सबों का प्यारा स्वरवेद महामंदिर आप सबों के सहयोग से संपूर्ण संत समाज की विशेष जागृति से, सेवा भाव से, सहजता से, हम सबों का प्यारा स्वरवेद महामंदिर बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है, ये आप सबों की सेवा भावना का ही द्योतक है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। इसी संकल्प की उद्घोषणा के साथ आप सबों के कल्याण की कामना, आप सबों के विकास की कामना, सब शरीर से स्वस्थ रहें, सबका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, मन से ही शरीर की क्रियाएं संचालित हैं, जितना मन स्वस्थ होगा शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, सब कुछ सकारात्मक और पवित्रता, दिव्यता, यह सब मानसिक शक्ति के नियंत्रण और संयम से है। आत्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सब शरीर से स्वस्थ रहें, सब मन से स्वस्थ रहें, सब स्वयं में स्थित होकर उस अनंत आनंदम, अनंत शांति का वरण करें। सद्गुरु सत्ता को बारंबार नमन करते हुए, आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, कल पुनः आपकी सेवा में इन वाणियों के साथ उपस्थित रहूंगा। वैदिक महायज्ञ में हम सब आहुतियों को प्रदान करेंगे।
आध्यात्मिक संगति का लाभ हमें प्राप्त होगा। आज प्रथम दिन के लिए इतना पर्याप्त समझते हुए, आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, सब शरीर से स्वस्थ रहें, मानसिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ हो, मन में प्रसन्नता हो, स्वयं में स्थित होकर उस अनंत आनंद अनंत शांति की तरफ हम बढ़ चलें, इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ, इसी शुभ कामना के साथ आप सबों के कल्याण की बारंबार कामना करते हुए, वंदना करते हुए आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पावन जन्म जयंती के प्रथम दिन पुनः और बारंबार आपके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और सबके कल्याण की कामना करता हूँ। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं, जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं शुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा सत्संग एवं साधना द्वारा सदगुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।